दोस्तों हम आ गए हैं जंगल रणथंबोर अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और साथ में लेके आए हैं वेरी बिग साइज इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और एक है इंडियन रेड स्नेक जो वो भी काफ़ी बिग साइज है। और मेरे साथ धर्मेंद्र चौधरी आए हैं, राहुल चौधरी भी हैं और हेमंत चौधरी भी हैं। और भाई साहब क्या क्या नाम है? अरबाज अरबाज जी और अजरुद्दीन और आपका शानू और आपका सलमान सलमान। तो सभी आए हैं मेरे साथ देखने और बहुत अच्छी बात है। और रिलीजिंग को हम दिखाते हैं आपको, बहुत प्यारी जगह है। और कोबरा है जो हम इस बम्बी को अधिकांश, मैंने इस बम्बी में कई कोबरा छोड़े हैं। कोबरा हम इसलिए छोड़ेंगे इसके अंदर क्योंकि उसने गैलरी को खा रखा है और मैं पिंजरे में से लाया था, वो पिंजरे में आ गया था और पिंजरे में थी चूहों के बहाने गिलहरी। और गिलहरी जब उसमें घुस गई तो उसको निकला नहीं गया और चूहों की तलाश में जो कोबरा आया था वो भी पिंजरे में आ गया, गिलहरी को तो उसने इंगल लिया, बाकी उससे फिर निकला नहीं गया। और उन्होंने मेरे को बुलाया, तेजमल जी साहू जी ने, उनके बच्चे ने, और मैं वहाँ तुरंत प्रभाव से गया और मैं लेके आया हूँ। काफ़ी बिग साइज है, देखो इसमें बैठा हुआ है और बड़ा है तो हम इसको बम्बी में बिठा देंगे। तो दिखाते हैं हम इसकी रिलीजिंग आपको, इसको छोड़ देते हैं हाथियों और हम चाहेंगे कि ये बम्बी में ही बैठ जाए। देखो दिखाओ जी इसको, आराम से बैठा हुआ है इसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से। आ जाओ दो, सुंदर साफ है और हमको संतुष्टि इसी वजह से है कि गैलरी के अंदर, गैलरी इसके पेट में ही है, इसने उगला नहीं क्योंकि अधिकांश ये घबरा के उगल देते हैं। और डब्बा भी हमारा खाली है और ये पेट में दिख भी रही है गैलरी, तो हम इसको छोड़ देते हैं। दिखाओ पास से, दिखाओ जी ये इधर जा रहा बहुत बढ़िया, दिखाओ बहुत सुंदर। पर ये चले गया ये अंदर दोस्तों, ये बिल्कुल नर्वस था इसलिए ये डरा भी नहीं और फ़न भी नहीं उठाया इसने, नहीं तो ये डर जाते हैं तो फ़न उठा लेते हैं। और ये वहाँ पे भी मेरे को सीधे साधे तरीके से ये पकड़ा हुआ गया और रेस्क्यू हुआ बढ़िया अच्छे से। और यहाँ पर हमने जिसको रिलीज किया तो भी ये आराम से इसकी यथास्थान चले गए। और अब हम इसको इंडियन रेड स्नेक लाए हैं जीनापुर से, इसके लिए हमारे बड़े भाई साहब कृपा शंकर जी शर्मा, उनका टेलीफोन भी आया था और दो तीन टेलीफोन आया। मैं वहाँ से लवकुश कॉलोनी से रेस्क्यू करके कोबरा को सीधा ही वहाँ पहुँचा। दिखाते हैं आपको, ये भी वेरी बिग साइज, ये दिखाओ जी दिखाओ, बैठा हुआ इसमें मस्ती से काफ़ी बड़ा है इसके घाव, ये वहाँ पे लग गए इसके। उन मैंने पूछा भी था उनसे, मैंने भाई कैसे लगे इसके, बोले भाई साहब हमको तो पता नहीं है, हमने तो नहीं लगे इसके, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा, ये तो बड़ा सीधा प्राणी होता है। देखो आप इसकी लेंथ, देखो आप जबरदस्त लेंथ है। देखो इसको हम बामी में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कोबरा इसको मार देगा, इसलिए हम इसको इधर साइड में छोड़ेंगे। दिखाओ जी इसको, जाओ दोस्त जियो अपना जीवन और मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। काफी बड़ा है, बिग साइज है, देखो ये आया इधर ही है। हाँ ये मैं भाई बम्बी में नहीं जाना चाहिए, बम्बी में जाएगा ना तो कोबरा हो सकता है, कोबरा और इसमें झगड़ा हो जाए। काफ़ी बिग साइज है, बड़ा साइज है, काफ़ी बड़ा बिग साइज है। और ये जा रहा है देखो आप, बहुत शानदार बहुत सुंदर। देखो ये धूप में आ गया है और बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। जाओ दोस्त चलो जियो अपना जाओ। जीवन और मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो, मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। हम तो मित्रों हमने इन दोनों जीवों को छोड़ दिया है, बड़े प्यारे जीव थे और बिग साइज थे दोनों ही, और दोनों अपने यथास्थान चले गए। रेड स्नेक लंबा आगे चले गया और कोबरा को हमने उसके यथास्थान बम्बी के अंदर बिठा दिया है। तो हमको बड़ा अच्छा लगा और मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि ऐसे जीव कहीं भी निकलते हैं उनको मारे नहीं, हमें बताएं, अवगत कराएं, हम तुरंत आएंगे और उनको रेस्क्यू करके उनके यथास्थान जंगल में छोड़ देंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर से रूबरू होंगे ऐसे ही किसी जीव का संरक्षण करते हुए, इसकी हेल्प करते हुए, मदद करते हुए और उन परिवारों का डर दूर करते हुए, उन लोगों का भय दूर करते हुए जहाँ पर ये भूले से भटकते हुए आ जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। तो कैसा लगा भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल अच्छा लगा, बढ़िया लगा है। बहुत बढ़िया। पहली बार आए हो आप तो रिलीजिंग में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके सर, धन्यवाद।